इस बरसात के मौसम में आप सब ने सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा देखा है कि गड्ढे के बीच से आपको सड़क ढूंढना पड़ रहा है और उस पर आप जाते हो? वेलकम बैक टू द चैनल आजिम्स ब्लॉग। कैसे हो आप सारे लोग? आज है डे 8, 30 डेज 30 ब्लॉग चैलेंज का, और मैं जा रहा हूँ कटिहार से दनिया अपने घर। सुबह सुबह का वक्त है और रोड भी बहुत अच्छा है, और अच्छे वेदर में चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है, अलग ही वाइब आ रहा है। कटिहार से निकलने के बाद कटिहार से सनोली रूट पे एक गांव पड़ता है मोंगरा, और उससे आगे बढ़ने के बाद बहुत ही बेहतरीन सा देखो ये नज़ारा नज़र आया, तो सोचा कि ये आपको दिखाऊं। बहुत प्यारा सा लग रहा है, तो इसका सिनेमैटिक शॉट देखो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो बताओ दोस्तों कैसा लगा? अगर अच्छा लगा ये सिनेमैटिक शॉट और ये सीन, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। बरसात के मौसम में आप सब ने सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा देखा है कि गड्ढे के बीच से आपको सड़क ढूंढना पड़ रहा है और उस पर आप जाते हो? तो वैसा ही आज नज़ारा कराने वाला हूँ मैं। तो आप देखो पूरा रास्ता लगभग जितना भी एक पैच है ये, जिसमें कि गड्ढों के बीच से आपको सड़क ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आपको बाइकिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है यार, यहाँ से लेके गोविंद चौक तक बहुत बुरा हाल है। ऐसा ही रास्ता रहने वाला है यहाँ से गोविंद चौक तक, उसके बाद उम्मीद है कि बहुत अच्छा रास्ता मिलने वाला है हमें। लेकिन यार ऐसे रास्ते में गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग हो जाता है, कभी कभी एडवेंचर भी ज़रूरी है लाइफ में। गोविंद चौक से आगे निकलने के बाद हमें बेहतरीन सा रास्ता मिल गया, दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही हरियाली सी है, और सुबह का वक्त तो इसमें और ज़्यादा मज़ा दे रहा है, अलग ही वाइब है यार। पहुंच चुका हूं सनोली रेलवे क्रॉसिंग। बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि अभी जस्ट ट्रेन जो है क्रॉस की है, और मेरे वहां पहुंचते पहुंचते गेट खुल जाएगी।
मस्त राइड का मज़ा लेते लेते आ गया हूँ अब महानंदा के ब्रिज पर। और ये महानंदा नदी है, ये महानंदा नदी है, और पीछे ये देखो रेलवे वाला पुल कितना खूबसूरत सा लग रहा है। पानी अच्छा खासा भरता जा रहा है नदी में, देखें तो ये सारा कच्चू वगैरह जो है तैरता हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पीछे से पानी भर रहा है। और इधर का नज़ारा तो खैर खतरनाक ही है। इस नज़ारे को देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और यहीं खड़े हो गया, देखने लगा कि ये लोग किस तरह ये पानी को पार करते हैं और अपने खेतों की तरफ जाते हैं। अभी तो खैर ये लोग अकेले हैं, ये अपने मवेशी के साथ, जानवरों के साथ भी उस पार जाते हैं खेतों में इस तरह। अब हम लोग आ चुके हैं इस ब्लॉग के आखिरी पड़ाव पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये जो जर्नी है कटिहार से लेकर के हमारे गांव तक की, ये बहुत प्यारी सी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, और इससे भी ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि हमें हमारा जो कम्युनिटी है आजिम्स ब्लॉग कम्युनिटी, इसको और बड़ा से बड़ा बनाना है। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।